भाजपा सरकार प्रदेश भर में रैलियों कर युवाओं को लाखों नौकरियां देखने की उपलब्धियां बता रही है, तो दूसरी तरफ लखनऊ में लगातार युवा रोजगार और शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वीरवार को 97,000 पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवा अचानक भाजपा के पार्टी दफ्तर में घुस गए और प्रदर्शन करने लगे। उसके बाद प्रदर्शनकारी छात्र भाजपा दफ्तर के बाहर गेट पर भी प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यालय के आसपास मौजूद सुरक्षा कर्मी पुलिस वालों ने प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों को गिरफ्तार कर इको गार्डन ले गए। गौरतलब हो कि यूपी सरकार इस साल आने वाली 97,000 पदों की बड़ी शिक्षक भर्ती पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बीते साल मुख्यमंत्री योगी ने ऐलान किया था कि सरकार जल्द ही 97,000 पदों के लिए एक और शिक्षक भर्ती लेकर आएगी। शिक्षक भर्ती के विवादों में आने के बाद भर्ती की प्रक्रिया अधर में लटक गई है। एक तरफ भर्ती प्रक्रिया को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो दूसरी ओर सरकार के प्रकरण की जांच करवा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग की वर्तमान में चल रही सहायक अध्यापकों की 68,500 पदों के शिक्षक भर्ती में अब तक करीब 40,788 पदों पर भर्ती हुई है। इस तरह कुल 97,000 के करीब पदों की भर्ती आ, मगर वर्तमान भर्ती में अब कई ऐसे अभ्यर्थी सामने आ रहे हैं। यूपी सीएम आरक्षण अभ्यर्थियों को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। ओबीसी और एससी वर्ग के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन पर संज्ञान लिया। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हम भी कर रहे काम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।